नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दांत का दर्द जब जो होता है तो एकदम जान ही निकाल के रख देता है। बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं पड़ता। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम जितनी मर्जी दर्द की गोलियां खा लें और वो हमारे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। फाइनली हमें वो दांत निकालना ही पड़ता है, या फिर ज्यादातर ये दर्द जो है रात को होता है और रात काटनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर, 90% तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आपको आपके दांत के दर्द में आराम मिलना पड़ेगा, शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। आप सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर आप आधा चम्मच लाल नमक, जिसको लाहौरी नमक या सेंधा नमक भी कहते हैं, वो डाल लीजिए। और बिल्कुल इतनी थोड़ी सी आप उसके अंदर फिटकरी डाल लीजिए। और फिटकरी अगर आप इस तरह से तोड़ के नहीं डाल सकें तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास जैसे डेला हो कोई एक फिटकरी का, जिसको इंग्लिश में एलम बोलते हैं, तो फिटकरी का एक डेला, जैसे सबके घर में शेव करने के लिए तो होता ही है, तो उसको आप गर्म पानी में डाल दीजिए और सिर्फ 1 से 2 मिनट के बाद उसको वापस निकाल लीजिए। इतना काफी है। फिटकरी बहुत जबरदस्त चीज होती है, दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो ये जो आपका पानी बन गया, इस गुनगुने गर्म पानी से आपने सिर्फ जहां भी जैसे दर्द होगा, आपने मुंह में पानी लेके सिर्फ उसको अच्छे से कुल्ला करके अच्छी तरह से, और फिर उसको आपने धीरे धीरे फेंकते रहिए। ध्यान रखना है आपको वो पानी अंदर नहीं लेना है, इतनी ज्यादा फिटकरी अगर अंदर जाएगी तो वो ठीक नहीं है। कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत चला भी जाएगा तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो जो फिटकरी है वो फिटकरी का पानी आपके अंदर ना जाए। तो आप सिर्फ उसको कुल्ला कीजिए और कुल्ला करके उसको आप फेंकते रहिए बाहर। ये आपको धीरे धीरे करना है और आप पाएंगे कि आपके गिलास का पानी खत्म होने से पहले ही आपके दर्द के अंदर आपको बहुत ज्यादा आराम मिल गया है। ये मैंने खुद आजमाया है। जैसे जो बोलते हैं लोग, क्योंकि दांत में दर्द हो रहा है, रात को फोन करके बोलते हैं कि जी सर मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। लोग मुझसे काफी एडवाइस लेते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप सिर्फ ये छोटा सा काम कर लो, और फिर वो थोड़ी देर के बाद फोन करके बोलते हैं कि वाह सर, बिल्कुल एकदम आनंद आ गया, हमने सोचा नहीं था कि ये इतनी आसान सी चीज जो है इतना तेज और अच्छा फायदा कर सकती है। लेकिन अगर देखिए दांत के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सड़ गया है, कीड़ा लग गया है, फिर तो आपको उसको निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए, और ये सिर्फ अगर आपको दर्द हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये नुस्खा आपके लिए बिल्कुल 100% काम करने वाला है। और आपको दांत में ये दर्द दोबारा से ना हो, उसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन से मंजन से आपको ब्रश करना चाहिए। टूथपेस्ट तो आजकल के बेकार है, उनके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप टूथपेस्ट करना भी चाहते हैं तो मैं एक टूथपेस्ट पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक टिप और दे देता हूं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दांतों को हमेशा के लिए बचा के रखेगी, चाहे आप जो कोई भी टूथपेस्ट करते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, आप सिर्फ रात को एक बार सोने से पहले खाली ब्रश अपने दांतों पे मार लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई मंजन करें, आप कोई टूथपेस्ट करें, आप सिर्फ एक बार रात को ना खाली ब्रश अपने दांतों पे मार के और फिर सोइए। सिर्फ अगर ये आदत आप बना लेंगे तो इससे आपके दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह की वैल्यूएबल टिप्स और इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।